हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोबी हेयर सॉल्यूशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करेंगे शैम्पू कौन कौन सी कंपनी के होते हैं और कौन कौन से हेयर पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ के शैम्पू होने वाले हैं, बट मैं आपको प्रोफेशनल सीरीज बताऊंगा कि आप उसको घर पे रहकर कैसे यूज़ कर सकते हो, हेयर पे कौन सा शैम्पू सूट करता है मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन हो उसको भी ऑन कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को। जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा शैम्पू। एक ऐसा टॉपिक है गाइस जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए अपने हेयर पे और कौन सा हमारे हेयर को सूट करेगा। हमारे हेयर ड्राई हैं, हमारे हेयर डैमेज हैं, हमारे हेयर ब्रेकेज हो रहे हैं, हमारे स्कैल्प डस्ट डर्टी हो रहा है, ठीक है, एंड हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है। इन सभी के मैं आंसर आज आपको यहाँ पे दूंगा। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे लगने वाली है वीडियो, काफ़ी शॉर्ट थ्योरी होगी। जैसे कि आपको पता है मैंने सेशन स्टार्ट कर रखा है, यहाँ पे शॉर्ट थ्योरी मैं दे रहा हूँ, जो कि इस टाइम पे हम जब वर्क करते हैं, जब हमें कुछ सजेस्ट करना होता है, तब हमारे माइंड में ये क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या चीज़ हमें सजेस्ट करनी है, क्या चीज़ हमें कैसे ट्रीट करनी है हेयर को लेकर। ठीक है, आज उन्हीं के आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे। आपको आज का जैसे कि हमारा है शैम्पू का टॉपिक, आज मैं आपको यहाँ पे शैम्पू के बारे में बता किसी के ड्राई रफ फ्रीजी हेयर हो रहे हो तो आप उनको सजेस्ट करिए एब्सोल्यूट रिपेयर, ये एब्सोल्यूट रिपेयर लॉरियल का। ठीक है, लॉरियल का ही एब्सोल्यूट रिपेयर है, उसके साथ ही मास्क है, आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर करेगा और इसके साथ जो मास्क है उसको आप शैम्पू के बाद अप्लाई करें। हमारे हेयर में स्मूथनेस कैसे आए, स्मूथ के लिए हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें, लॉरियल का बताऊँगा मैं आपको, एक्सटेंसो। ठीक है, लॉरियल में आप एक्सटेंसो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ये सल्फेट फ्री भी हो सकता, ये सल्फेट फ्री भी है और साथ ही में आप इसको कैरेटीन के लिए भी, कैरेटीन के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेफिक्र होकर, नो टेंशन। ओके, ये आपके हेयर में स्मूथनेस लाएगा, शाइन लाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो मास्क है वो भी आपको यूज़ करना है। थर्ड, हमारा जो थर्ड शैम्पू है वह है कलर से रिलेटेड। जब हम कोई भी सर्विस करवाते हैं या घर पे कलर करते हैं या सलून में जाके कलर करवाते हैं, वो बहुत जल्दी फेड आउट होना स्टार्ट हो जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा ये। ओके, आपने नोटिस भी किया होगा ये, जब भी हम सलून में करवाते हैं या घर पे कराते हैं, 10-12 डेज में ही हमारा वॉश आउट कलर होने लग जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम शैम्पू वो यूज़ ही नहीं कर रहे जो हमारे लॉन्ग लास्टिंग कलर को लेके चले। अभी हमें जो यहाँ पे यूज़ करना है वो करना है शैम्पू कलर प्रोटेक्शन का यूज़। ओके, जो कि लॉरियल ही कंपनी का है, वो है कलर विटामिनो। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉरियल को कोई इसके चार्ज नहीं ले रहा हूँ लॉरियल से, कि मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि लॉरियल सारी कंपनीज के साथ मैंने काम कर रखा है, लेकिन लॉरियल का अच्छा है, शोस्कोफ का भी अच्छा है, स्ट्रिक्स का भी अच्छा है, वेला की भी अच्छे हैं, सबके यहाँ पे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल नॉर्मल आपको रेंज बता रहा हूँ लॉरियल की, लॉरियल प्रोफेशनल सीरीज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो भी आपको अभी शैम्पूज बताए हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कलर विटामिनों की, तो ये लॉन्ग लास्टिंग आपको रखेगा। ठीक है, आपके कलर को लेके आपका अगर 10 डेज में फेड हो रहा है तो आपके 16-18 डेज लगेंगे फेड होने में कलर, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करके रखेगा आपके कलर को। इसके साथ इसका मास्क है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको इसको भी यूज़ करना है। ठीक है, मास्क की जो टाइमिंग रहती है आपके, रहती है 3-4 मिनट्स। ठीक है, 3-4 मिनट आप अप्लाई करके रखो, फिर इसको भी रिंग्स आउट कर दो। मास्क को हमेशा स्कैल्प पे मत लगाना, इसको लगानी है आपको लेंथ पर, क्योंकि स्कैल्प में इसका कुछ काम नहीं है, ना तो कंडीशनर का ना ही मास्क का। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो हेयर है जब बीच में से ब्रेक हो जाता है या स्प्लिट्स एंड्स हो जाते हैं, ठीक है, दो मुंह के जिसको हम बाल बोलते हैं वो हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए फोर्स विक्टर। ओके, ये भी लॉरियल का ही है, जैसे कि यहाँ पे शो रहा है फोर्स विक्टर, और इसका ही मास्क, जैसे और बताएं प्रोसीजर ऐसे ही इसको यूज़ करना है आपको। ठीक है, जिन जिन को रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की, जिनके हेयर में हो रही है, उन्हीं को लेकर मैंने यहाँ पे शैम्पू सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे फोर्स विक्टर भी हो, जिनका हेयर स्कैल्प बहुत ज़्यादा डर्टी रहता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर्टी रहता हो, ऑयली हो, ओके, और जिसके हेयर जिसके स्कैल्प के अंदर डेंडरफ भी हो रहा है,
अब उसको स्कैल्प क्लियर के लिए कौन सा यूज़ करें, तो उसको यूज़ करना है इंस्टेंट क्लियर, जैसे यहाँ पे शो रहा है, ठीक है, साइड में शो भी होते रहेंगे सारे शैम्पूज़, और इन सभी के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक है, क्लिक करो और अमेजोन पे पहुंच जाओ, या कोई सी भी वेबसाइट पे पहुंच सकते हो आप, ठीक है। वैसे मैं अमेजोन से ही पर आपको सजेस्ट करूंगा, अमेजोन से लो, अच्छा है प्लेटफॉर्म और जल्दी डिलीवर कर देता है। अब जो हमारा लास्ट शैम्पू है वो है जिसका हेयर एंड स्कैल्प थोड़ा ड्राई रहता है और हमारे हेयर थोड़े फाइन होते हैं, जिसके हेयर थिन होते हैं। अब उसको वॉल्यूमाइज करने के लिए, जैसे कि कस्टमर आते हैं उनके हेयर काफ़ी पतले होते हैं, वो कहते हैं कि शैम्पू कौन सा यूज़ करें हम, इसमें उनको सजेस्ट करना है डेंसिटी एडवांस, ये उनके हेयर के अंदर वॉल्यूम लाएगा, ठीक है, और उनके हेयर में थोड़ा फ्लपीनेस दिखने लग जाएगी। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं कौन से हेयर पे कौन सा शैम्पू जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।